और अगली बड़ी खबर मेरठ से, सुभारती ट्रस्ट के चेयरमैन से रंगदारी का मामला। सुनील राठी के करीबियों का गन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सुनील की मां और तीन करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, सुभारती ट्रस्ट के चेयरमैन से रंगदारी का ये पूरा मामला है जिसमें अब कार्रवाई की गई है। सुनील राठी के करीबियों का गन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सुनील की मां और तीन करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सुभारती के चेयरमैन से रंगदारी मांगी गई थी और इसी मामले में एक के बाद एक जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब सुनील राठी के जो शस्त्र लाइसेंस हैं वो निलंबित किए गए हैं, उसके करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। सुनील की मां और तीन करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। तो बड़ी खबर मेरठ से, सुभारती ट्रस्ट के चेयरमैन से रंगदारी के मामले में अब सुनील राठी के जो शस्त्र लाइसेंस हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं। सुनील की मां और तीन करीबियों के और शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। तो मेरठ से बड़ी खबर, सुभारती ट्रस्ट के चेयरमैन से रंगदारी का मामला। सुनील राठी के करीबियों का गन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सुनील की मां और तीन करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी बताई। और अगली बड़ी खबर मेरठ से, सुभारती ट्रस्ट के चेयरमैन से रंगदारी का मामला। सुनील राठी के करीबियों का गन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सुनील की मां और तीन करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, सुभारती ट्रस्ट के चेयरमैन से रंगदारी का ये पूरा मामला है जिसमें अब कार्रवाई की गई है। सुनील राठी के करीबियों का गन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सुनील की मां और तीन करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सुभारती के चेयरमैन से रंगदारी मांगी गई थी और इसी मामले में एक के बाद एक जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब सुनील राठी के जो शस्त्र लाइसेंस हैं वो निलंबित किए गए हैं, उसके करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। सुनील की मां और तीन करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। तो बड़ी खबर मेरठ से, सुभारती ट्रस्ट के चेयरमैन से रंगदारी के मामले में अब सुनील राठी के जो शस्त्र लाइसेंस हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं। सुनील की मां और तीन करीबियों के और शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। तो मेरठ से बड़ी खबर, सुभारती ट्रस्ट के चेयरमैन से रंगदारी का मामला। सुनील राठी के करीबियों का गन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सुनील की मां और तीन करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी बताई। और अगली बड़ी खबर मेरठ से, सुभारती ट्रस्ट के चेयरमैन से रंगदारी का मामला। सुनील राठी के करीबियों का गन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सुनील की मां और तीन करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, सुभारती ट्रस्ट के चेयरमैन से रंगदारी का ये पूरा मामला है जिसमें अब कार्रवाई की गई है। सुनील राठी के करीबियों का गन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सुनील की मां और तीन करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सुभारती के चेयरमैन से रंगदारी मांगी गई थी और इसी मामले में एक के बाद एक जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब सुनील राठी के जो शस्त्र लाइसेंस हैं वो निलंबित किए गए हैं, उसके करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। सुनील की मां और तीन करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। तो बड़ी खबर मेरठ से, सुभारती ट्रस्ट के चेयरमैन से रंगदारी के मामले में अब सुनील राठी के जो शस्त्र लाइसेंस हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं। सुनील की मां और तीन करीबियों के और शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए। तो मेरठ से बड़ी खबर, सुभारती ट्रस्ट के चेयरमैन से रंगदारी का मामला। सुनील राठी के करीबियों का गन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सुनील की मां और तीन करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी बताई।